हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनुपमा और आज मैं आप लोग के लिए दम आलू की रेसिपी लेकर आई हूं। तो ये देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। मैंने आलू बॉईल करके छील लिया है और इसमें फोर्क से होल बना लिया है और इसको फ्राई कर लेंगे। देखिए मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। फ्राई करके निकाल लिया है मैंने। अब इसमें मिर्च, अदरक, प्याज, गरम मसाला, टमाटर, लहसुन, इन सभी को भून लेंगे। उसी कढ़ाई में भूनेंगे जिसमें मैंने आलू फ्राई किया था। अब इसको भूनने के बाद इसका हम पेस्ट बनाएंगे। मिक्सी में डाल लिया मैंने, अब इसको पेस्ट बना लिया है। अब कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। इसमें जीरा, तेजपत्ता और पिसे हुए मसाले डाल देंगे, हल्दी थोड़ी सी, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च डालकर सौते कर लेंगे। में नमक डालेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट, दही, मसाला हमारा भून गया। इसमें आलू डाल देंगे जो मैंने फ्राई किया था। अच्छे से चला लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। 10 मिनट के लिए ढककर पकने देंगे। हमारा दम आलू बनके तैयार हो गए हैं। देखिए कैसे बने हैं। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। और लास्ट में धनिया पत्ती से गार्निश करेंगे। थैंक यू।